माई डियर स्टूडेंट्स, अभी आप स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 फूड एंड डाइजेशन के बारे में, इसके पहले क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर बताया गया था, अब आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। चलिए डी नंबर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का पहला, व्हाट इज रॉफेज। आंसर, रॉफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, हाउ डज सलीवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। आंसर, सलीवा ब्रेक्स द स्टार्च of food into simple sugars and also makes the food soft. तीन नंबर, what is food preservation? Answer, the process by which we can prevent the food items from getting spoiled for a long time is called food preservation. चार नंबर क्वेश्चन, why do we preserve food items? Answer, all food items get spoiled at room temperature after some time. So, for long use, we preserve the food items. Question number 5. पाँच नंबर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रीज। आंसर, पैनक्रीज प्रोड्यूसेज जूसेज डैट हेल्प टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 6, ए नंबर 6 का ए, हाउ मैनी ग्लासेज ऑफ वाटर should we drink daily? Answer, we should drink 8 to 10 glasses of water daily. B number, what value do we learn from Manisha? Answer, important of water in our body. सात number, what is meant by digestion? Answer, digestion is a process in which the food we eat is broken down into simple and soluble substances that are absorbed by the body. Eight number, why are foods rich in vitamins called protective food? Answer, foods rich in vitamins are called protective food because vitamins help our body to fight against diseases and keep us healthy. अब आइए ई नंबर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। एक नंबर, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आंसर, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एक नंबर, माउथ टीथ च्यू एंड ग्रिंड द फूड, दिस फूड मिक्सचर विथ सलीवा। दो नंबर, फूड पासेज थ्रू द फूड पाइप टू रीच द स्टोमेक। तीन नंबर, स्टोमेक, हियर फूड इज चूर्ण एंड मिक्सेज विथ डाइजेस्टिव जूसेज। चार नंबर, स्मॉल इंटेस्टाइन डैट प्रोड्यूसेज सम डाइजेस्टिव जूसेज, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट्स हियर। तो ये आपका हो गया लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब दो नंबर, राइट इन ब्रीफ एनी 4 वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। आंसर, 4 वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर, पहला,
बोटलिंग एंड कैनिंग फूड इज सील्ड इन बोतल्स एंड कैंस आफ्टर किलिंग जॉर्म्स. दूसरा ड्राइंग फूड इज ड्राइड बाई रिमूविंग ऑल वाटर कॉन्टेंट फ्रॉम इट. तीसरा नंबर पिकलिंग एंड जेलिंग साल्ट एंड ऑयल इन पिकल्स एंड सुगर इन जैम्स एंड जेलीज एक्ट एज प्रिजर्वेटिज. चौथा नंबर रेफ्रिजरेटर कूल्स डाउन द फूड टू ए वेरी लो टेम्परेचर. तो ये हो गया दो नंबर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. हाँ तीन नंबर राइट फाइव गुड ईटिंग हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन. आंसर फाइव गुड ईटिंग हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन आर एक नंबर ईट एट रेगुलर इंटरवल्स. दो नंबर च्यू द फूड वेल बिफोर स्वालोइंग. तीन नंबर ईट ए बैलेंस्ड डाइट. चार नंबर ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड. पाँच नंबर एवॉयड ओवर ईटिंग. एफ नंबर में है थिंक एंड आंसर. राहुल इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन. हिज ग्रैंड मदर सजेस्ट हिम टू ईट ए लॉट ऑफ सलाद एंड फ्रूट्स. हाउ विल डैट बी हेल्पफुल. सलाद एंड फ्रूट्स गिव अस ए लॉट ऑफ रफेज. वी कैन नॉट डाइजेस्ट रफेज. इट हेल्प्स टू रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी. दे गिव रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन. तो ये सब आपको लिख लेना है और फेयर के कॉपी में लिख लीजिएगा, याद भी कीजिएगा. जब स्कूल खुलेगी उस वक्त आपका फेयर का कॉपी चेक होगा और उस समय सुना जाएगा. तो बच्चों आप आज भर के लिए इतना ही. अब आप इसको ध्यान से अपने फेयर के कॉपी में उतार लेंगे और उतारने के बाद इसको बार बार पढ़ेंगे.